हेलो फ्रेंड्स, जेके गॉरमेट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे ओरियो मोदक बनाएंगे। ये मोदक सिर्फ 10 मिनट में बनते हैं और यहाँ पे हम मोल्ड का यूज़ करके भी बनाएंगे और बिना मोल्ड के भी मोदक बनाएंगे। और ये मोदक बच्चों के बहुत ही फेवरेट मोदक हैं। मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए 20 से 25 ओरियो बिस्किट, 2 चम्मच नारियल का बुरादा, 2 चम्मच डार्क चॉको चिप्स, 2 चम्मच व्हाइट चोको चिप्स, 50 ml मिल्क। अब यहाँ पे हम बिस्किट में से इस तरह क्रीम निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने चॉकलेट क्रीम वाले ओरियो बिस्किट लिए हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे वेनिला क्रीम वाले बिस्किट भी ले सकते हैं। तो इसी तरह हम सभी बिस्किट में से सारा क्रीम निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने सभी बिस्किट में से सारा क्रीम निकाल दिया है। अब यहाँ पे हम बिस्किट को इस तरह रफली ब्रेक कर लेंगे और इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे एक पाउडर फॉर्म की तरह। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच जितना ही दूध ऐड करेंगे और इसको हम एक डो की तरह बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मिश्रण एक डो की तरह बन गया है। तो हमें इस तरह का ही मिश्रण चाहिए। अब यहाँ पे हम स्टफिंग प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें हम 2 चम्मच जितनी डार्क और वाइट चॉको चिप्स ऐड करेंगे, 2 चम्मच जितनी डेसिकेटेड कोकोनट, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास डार्क और वाइट चॉको चिप्स नहीं है तो इसकी जगह आप डेयरी मिल्क के छोटे छोटे पीसेस करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मोदक का मोल्ड लिया है। ये मोल्ड मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। इसे मोदक का सांचा भी बोलते हैं। बिस्किट का मिश्रण हम इस तरह भरेंगे, बीच में जगह बनाते हुए साइड से प्रेस करते हुए भरेंगे। तो इस तरह हम साइड में प्रेस कर लेंगे और बीच में हम थोड़ी सी जगह बना के रखेंगे ताकि जो हमने यहाँ पे क्रीम का स्टफिंग बनाया है वो अंदर फिल कर सके। अब इसके अंदर थोड़ा सा स्टफिंग भरेंगे और इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा बिस्किट का मिश्रण लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ओरियो मोदक बनके रेडी है। बहुत ही कम समय में बनता है। तो इसी तरह यहाँ पे हम सभी ओरियो मोदक बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम साइड में भरेंगे बीच में जगह बनाते हुए। तो यहाँ पे हमने मोल्ड से कुछ मोदक बना लिए हैं। अब बाकी के मोदक हम हाथ से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास मोदक का मोल्ड नहीं है तो इस तरह आप हाथ से भी मोदक बना सकते हैं। इस तरह टिक्की बना लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा सा स्टफिंग फिल करेंगे और टिक्की को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका राउंड बॉल बना लेंगे और उसके बाद हम इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ऊपर की ओर हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि एक मोदक के शेप में आ जाए। अब यहाँ पे हम फोर्क स्पून की मदद से इस तरह कट लगा लेंगे।
यहाँ पे आप टूथपिक की मदद से भी इस तरह का कट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोल्ड के बिना भी हमारे मोदक बनके रेडी है, बहुत ही अच्छे बने हैं। इस तरह हम सभी मोदक बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मोल्ड के बिना और मोल्ड के साथ दोनों मोदक बनके रेडी है। तो आप इस गणेश चतुर्थी पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों।